नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स विद दिल से। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस 5 रुपए के पेन स्टॉक के बारे में, और ये बोलूंगा कि कंपनी के Q3 नंबर्स आउट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप इसके Q3 नंबर्स चेकआउट करने के बाद प्लान कर सकते हो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की या नहीं। जो क्वेश्चन आप लोग लगातार पूछते रहते हो कि नीचे एक कमेंट आया था, और लकीली ये स्टॉक हमने आपको बहुत पहले सजेस्ट किया था और यही बताया था कि एक स्टॉप लॉस है, जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता स्टॉक को कैरी करो। और अभी भी मैं यही बात बोलूंगा कंपनी के Q3 नंबर आने के बाद, क्योंकि देखो जो भी पेनी स्टॉक मार्केट में भी आपको दिखते हैं, अगर आप मोस्टली 20 स्टॉक्स की कैटेगरी बना लो, है ना, 20 बना लो, चलो है ना 20 पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में, 20 में से 5 कंपनीज प्रॉफिटेबल होगी, बाकी जो 15 कंपनीज है मोस्टली में प्लेज होल्डिंग होगी, ठीक है, सी आई आर पी प्रोसेस चल रहा होगा, डेट बहुत ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 रीजन होते हैं जिस वजह से कोई व्यक्ति उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एक ऐसा लॉजिक ढूंढो जो आपने बैक टेस्ट करके रखा हो, मतलब कि आपको पता हो कि ये तरीका काम करता है, और उस तरीके के वजह से अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी उन स्टॉक्स में, उन स्टॉक के कंपैरिजन में जो कंपनीज प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, डेट फ्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। तो मैं यही बोलूंगा, थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली ये आपका पैसा काफी अच्छे हद तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को नजर में रख सकते हो। पर्सनली अभी मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया है, हाँ लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली मैं करना पसंद करूंगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ करना पसंद करूंगा। तो वो स्टॉप लॉस क्या होगा उसके लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, एंड लाइक पक्का करना ताकि मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियोस आपके लेके आता रहूं हर महीने। बाकी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम किरदन इंफ्रा लिमिटेड है, मात्र 5 रुपए का ये पेनी स्टॉक है, और आप देख सकते हो स्टॉक ऑलमोस्ट 89% टूट चुका है, और स्टॉक ने 1 रुपए का लो लगा के सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और करंटली देख सकते हो कि स्टॉक अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक अपने हाई से काफी टूट चुका है। और आपको याद होगा तो ये स्टॉक हमने आपको ट्रेडिंग पर्पज के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, और काफी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने हमें कमा के दिया है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की हमें नहीं देखने को मिलती है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स भी आउट हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिसंबर के नंबर्स ये रहे, सेल्स कंपनी की 4 करोड़ की बहुत कम है, आई नो बहुत कम है, ठीक है, 42 करोड़ का लॉस हुआ है, और लॉस क्यों हुआ है क्योंकि कंपनी को अदर इनकम से लॉस हुआ है, ठीक है। तो अदर इनकम जो कि अदर बिजनेसेस होते हैं वहां से कंपनी को काफी अच्छा लॉस देखने को मिला है, तो देख सकते हो काफी तगड़ा लॉस कंपनी ने यहाँ इस बार किया है। बाकी बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो वो 47% है, और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, लॉस इतना बड़ा आने के बावजूद भी क्यों नहीं कर रहे, सोचना अपने मन में, ठीक है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक से अभी के अभी एग्जिट कर लो, लेकिन ये चीज ना एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है कि स्टॉक को बाय करने के लिए, जहां प्रमोटर्स ने अपनी काफी अच्छी होल्डिंग रखी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट गिरवी 1 रुपए का नहीं रखा हुआ, प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है, ध्यान रखना, शेयर्स को गिरवी नहीं रखा गया है, समझ गए, फ्री शेयर्स है, इनके अपने शेयर्स है, राइट, और पब्लिक का पैसा मात्र 48% है। तो ये कुछ लॉजिक है, सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से मैं कह रहा हूँ नजरों में रखो, बाकी स्टॉक में सब कुछ बेकार है, समझ आ गया। सिर्फ एक लॉजिक क्या है, प्रमोटर्स की काफी अच्छी होल्डिंग है, और नाम काफी अच्छा है, किरदन इंफ्रा, नाम से नाम चलता है भाई, देखो जितनी पुरानी कंपनी होगी एनएससी में भी काम करता है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जो पेनी स्टॉक एनएससी में काम कर रहा है, ठीक है, और वो लिस्टेड कंपनी एनएससी में, समझ जाओ वो अच्छा स्टॉक बन सकता है, बस आपको अपनी एंट्री अच्छी करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का प्राइस वॉल्यूम कैसा है, देखो यहाँ वॉल्यूम तो बहुत कम आता है वीएससी में, एनएससी में आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है, वीएससी में वॉल्यूम नहीं आता है, और एनएससी में शो भी नहीं करेगा डेटा क्योंकि टेक्निकल ग्लिच होता है अभी, तो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई कंपनी के फाइनेंशियल आपको क्या लगते हैं कैसे, मेरे हिसाब से एकदम घटिया फाइनेंशियल है, ठीक है, फाइनेंशियल को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्टॉक से इग्नोर कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक पर्सनली मुझे क्यों पसंद आता है, एक तो रीजन क्या है, प्रमोटर्स का काफी अच्छा हो पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, ठीक है, और प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक अच्छा क्यों लगता है, देखो याद होगा आपको तो ये स्टॉक हमने आपको सजेस्ट किया था फर्स्ट टाइम यहाँ, ठीक है, इस कैनल में किया था,
इसके अंदर में किया था, क्यों किया था, ट्रेडिंग पर्पज से, 5:45 पे किया था स्टॉक ने, 8% का ही लगाया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, देखो ऊपर गया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखे गया, और ध्यान देना ये स्टॉक दोबारा देखो 5:45 के आपको सपोर्ट दे रहा है, 5:45 का आपको सपोर्ट दे रहा है उसी एरिया के आसपास जहां हमने आपको फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया बनता है, और ये मंथली में बना बता रहा हूँ, मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो 5:45 स्टॉक का सपोर्ट एरिया, ये स्टॉक आप यहाँ कहीं भी बाय करके चल सकते हो, बिल्कुल उसने वहीं सपोर्ट क्यों लिया जरा दिमाग में सोचना। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 2 स्टॉप लॉस मेरे बनते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस जाएगा 4:47 का, एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना है तो 3.90 का स्टॉप लॉस लगा लो, बस ये 2 स्टॉप लॉस लगा लो एंड स्टॉक को कैरी कर लो। बिलीव मी, मुझे लगता है, देखो बिलीव करो ना करो, पर मुझे लगता है ये स्टॉक अपना लास्ट स्विंग जो है ना तोड़ सकता है, कितने रुपए का है, 8:53 है ना, ये स्टॉक आराम से 9 रुपए के टारगेट आपको दिखा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ताकि मैं इसका बात में शॉर्ट बना सकूँ, मुझे पता है ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना भाई, स्टॉक बताया मैंने आपको। ठीक है, देखो ये तो भाई, देखो ये किरदन इंफ्रा भी 5.90 ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक का एक्युमुलेट कर सकते हो 3.90 और 4 रुपए के स्टॉप लॉस से, ये स्टॉक आपको 8 रुपए 10 रुपए के टारगेट बहुत जल्द दिखा सकता है, लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लेना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर्स ने काफी अच्छा पैसा लगा हुआ है, कंपनी के Q3 नंबर्स बेकार आए, घटिया आए, उसके बावजूद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में सपोर्ट ले रहा है उसी एरिया के आसपास जहां स्टॉक ने एक तेजी दिखाई थी, तो ये सोचने वाली बात है कि स्टॉक सपोर्ट क्यों ले रहा है वहां पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्योर प्रोजेक्शन, और बाकी देखो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है प्रोजेक्शन की, ठीक है थोड़ी बहुत भी समझ है, इसको मिला लो इससे सपोर्ट बन गया, इसको मिला लो इससे, तो ये देखो लगातार एक हाई रिस्क का पैटर्न बना रहा है और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड होगा काफी बड़ा बन सकता है, अगर यहाँ बाय करोगे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा, यहाँ बाय करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड छोटा बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया यहाँ ही एक्युमुलेट कर लो, ये स्टॉप लॉस लगा लो 3.90 का क्लोजिंग बेसिस में। ठीक है, बाकी अगर आपने स्टॉक को बाय कर लिया तो नीचे कमेंट करते रहना, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो अपडेट करवा दूंगा कि स्टॉक में आपको क्या करना है। वैसे देखो मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस, हर मंथली वीडियो बनता है, तो मैं भी इस स्टॉक का एक मंथली वीडियो लेके आ जाऊंगा कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए अभी। तो ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, वो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टॉप लॉस आएगा तो आपको स्टॉक से एग्जिट करना, सोचना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।